जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। दोस्तों, पड़ैया हाट की राजनीति पर यह कहावत बेहद सटीक बैठ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। उससे पहले बता दें कि मेरा नाम साजिब है और आप समाचार आज तक देखना शुरू कर चुके हैं। बता दें कि पुड़ैया हाट सीट पर आज राघवेंद्र सिंह, जो भाजपा नेता हैं और जिला परिषद पश्चिमी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने दावेदारी पेश करने के बाद पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया। जी हां, उन्होंने पुड़ैया हाट में एक परिवर्तन रैली निकाली जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता देखने को मिले। बता दें कि पुड़ैया हाट सीट पे भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड अलग होने के बाद से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। प्रदीप यादव के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पुड़ैया हाट में एक भी ऐसा दावेदार, एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो पुड़ैया हाट सीट फतेह करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में ला करके दे सके। लेकिन इस बार जो शक्ति प्रदर्शन में राघवेंद्र सिंह का आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का यहाँ समर्थन देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि यहाँ पर राघवेंद्र सिंह जो है भाजपा के लिए एक पॉजिटिव साइन बन करके सामने आ सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई इतनी भी आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है क्योंकि पुड़ैया हाट सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि आखिर गले की हड्डी क्यों बनी हुई है? दरअसल बता दें कि राघवेंद्र सिंह ने तो अपनी दावेदारी पेश कर दी, लेकिन राघवेंद्र सिंह की लड़ाई सिर्फ प्रदीप यादव से नहीं है। जी हाँ, 25 साल का जो जनाधार है प्रदीप यादव से तो है ही उनकी लड़ाई, लेकिन उनके पार्टी के अंदर के नेता जो हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता जो हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। अन्य नेता जो जिन्होंने पार्टी के अंदर समर्पण दिया है अपना और जिनके पीढ़ी जो है, जिनकी पीढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्पण दिया है, संगठन मजबूत करने में काम किया। बता दें कि पुड़ैया हाट के पूर्व विधायक हैं प्रशांत मंडल, उनके बेटे और उनकी पत्नी जो है वो भी पुड़ैया हाट में काफ़ी ज़्यादा गतिविधि करते हुए नजर आ रही हैं और उन्होंने एक निजी इंटरव्यू, शुभम स्नेही जो है प्रशांत मंडल के बेटे, उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये तक कह दिया था कि वो भी दावेदारी जो है पेश कर रहे हैं और वो सेवा की भाव से जो है पुड़ैया हाट सीट लड़ने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट गले की हड्डी बनी हुई है। बता दें कि राघवेंद्र सिंह निशिकांत दुबे के चहेते नेता हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि निशिकांत दुबे के लॉबी के नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत मंडल और उनका परिवार जो है वो रघुवर गुट से जो है ताल्लुक रखते हैं। प्रशांत मंडल भी पिछले अपने कई बयानों में, जब वो इस दुनिया में थे तब राजनीतिक दिनों में अपने, उन्होंने निशिकांत दुबे का कई मुद्दों पर विरोध भी किया था और अब यहाँ पर जो है उनका परिवार जो है वो अब राजनीति में उतर गया। तो जब भारतीय जनता पार्टी पुड़ैया हाट सीट का टिकट बांट देगी तब पता चल पाएगा कि रघुवर दास का जो गुट है या निशिकांत दुबे का जो गुट है किसकी पकड़ भारतीय जनता पार्टी और आलाकमान के ऊपर मजबूत है। अगर राघवेंद्र सिंह को टिकट मिलता है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रदीप यादव को इस बार कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल, हम ऐसी तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें समाचार आज तक।